सभी का शुभाशी, आप सभी का स्वागत है बुक्कड़ ऐश्वर्या के ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरी मम्मी पापा नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं और पंडित जी कलश स्थापना करा रहे हैं। और हाँ, हैप्पी नवरात्रि। तो यहाँ पे पंडित जी ने स्थापना करवा दी और पंडित जी चले गए घर, वो पाठ करने शाम को आएंगे, तब तक मैं पाठ कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद चलिए मैं अपनी माता रानी को दिखाती हूँ। मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है ना यार, किसी की नज़र न लग जाए इनको। भगवान हमेशा सबको खुश रखे, बस और क्या ही चाहिए। तो यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे फलारी आलू बना है, मखाना और बादाम भुजा गया है और मेरी बहन ने मुझे आलू के चिप्स और पापड़ ला के दे दिया। ये रहा मेरा नाश्ता, इसके खा के मैं पढ़ाने चली जाऊँगी। पढ़ा के आऊँगी फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। जब मैं पढ़ा के घर आई ना यार, तो मेरे लिए बना था पकौड़ी, सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी और दही मूंगफली की चटनी के संग। क्या लाजवाब लगती है बता नहीं सकते, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। फिर यहाँ पे पंडित जी आ गए, पंडित जी आए पाठ किए हैं उन्होंने, फिर आरती कर रहे थे। यार ये तो बात सही है कि नवरात्रि के ये 9 दिन ना, जैसे लगता है कि आपके घर में गुड वाइब्स हैं, अच्छे वातावरण है, माहौल अच्छा होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत अच्छा ज़्यादा लगता है और निगेटिव वाइब चली जाती है। जैसे लगता है आपके घर में कोई विराजमान है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। सुबह पाठ होता है, रात में पाठ होता है, आरती होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पंडित जी ने आरती कर रहे हैं और यहाँ पे आरती करने के बाद वो हमें आरती दे रहे थे, तो मैं आरती ले लिया। आरती लेने के बाद फिर मुझे प्रसाद मिला, प्रसाद लेके फिर मैं थोड़ी देर बैठी थी, तब तक देखते मम्मी ने डिनर में यानी कि फास्ट में के लिए रात में क्या बनाया। तो उन्होंने बनाया है कुट्टू की खिचड़ी। यार मुझे कुट्टू की खिचड़ी बहुत पसंद है और सिंघाड़े के आटे की कढ़ी। जिसको इसकी रेसिपी चाहिए ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी कसम से। तो आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी। मिलती हूँ आप सभी के संग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।